जय जगन्नाथ। सागर परिक्रमा के इस 11वें चरण में हम आज भगवान जगन्नाथ जी की पावन धरती ओडिशा के गोपालपुर पोर्ट से हम आज इस पावन धरती को स्पर्श किया। हम विशाखापट्टनम से बाय बोट इधर आए। मुझे ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि यहाँ के सरपंच, हमारे जिला भाजपा के अध्यक्ष, हमारे संबिन पात्रा जी के समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता और मछुआरे समाज के भाई बहनों ने सागर परिक्रमा यात्रा का स्वागत किया। यहाँ के मछुआरे समाज के कुछ आगेवानों ने मिलकर हमें यहाँ की ज़रूरतों के बारे में ज्ञापन भी दिया है। मुझे ये बड़ी खुशी हुई कि यहाँ दूर दराज के गांव में रहने वाले मछुआरे को किसान क्रेडिट कार्ड पहुंचाने का काम स्थानीय तंत्र के द्वारा हो रहा है। ये मेरे लिए प्रसन्नता का और संतोष का विषय है। आज से मैं पूरे ओडिशा के कोस्टल बेल्ट में घूमने वाला हूं 3 दिन के लिए, और मछुआरे समाज के जुदे जुदे गाँव में जाकर उन लोगों से मिलके उनकी बातें समझने का प्रयास करने वाला हूँ। और ओडिशा एज अ स्टेट फिशरीज सेक्टर में क्या संभावनाएं हैं, क्या गैप्स हैं, क्या आवश्यकता है, उनकी जानकारी मैं स्वयं लेने के लिए और मछुआरे समाज के बीच में मोदी जी की सरकार के क्या कार्यक्रम हैं वो अवेयरनेस करने के लिए ये कार्यक्रम में चला के थे आज। नहीं, वो हम इसका स्टॉक लेंगे, इसके बारे में स्थानीय तंत्र से हम जानकारी प्राप्त करेंगे और भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों को साथ में जोड़कर इसका रास्ता निकालने की कोशिश करें। सर, सागर परिक्रमा कब से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ और कितने दिन चलेगा? अभी हम आगे कहीं बोलेंगे। सागर परिक्रमा हमने गुजरात से शुरू किया, जो भारत माता का पूरा कोस्टल बेल्ट है, वहीं उसका पहला बंदर हमारा गुजरात से, मांडवी से हम निकला। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और आंध्र को कल समाप्त करते हुए आज जगन्नाथ जी के चरणों में। नहीं, वो बोला ना मैंने कि यहाँ के कुछ लोगों ने मुझे ज्ञापन दिया। धन्यवाद। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।